रायपुर के डीकेएस अस्पताल में कोविड के दौरान नया ऑक्सीजन प्लांट खोला गया था जो 2 साल से बंद पड़ा है। इसी मामले को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि कोरोना के समय ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी। डीकेएस सहित कई अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, हालांकि कुछ कारणों के चलते यह चालू नहीं हो पाया है। रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए वेंडर को टेंडर दिया गया है, जल्द से जल्द इसे चालू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया है कि 10 दिनों के भीतर 500 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। पीएससी के माध्यम से डॉक्टरों का चयन होगा। वहीं उन्होंने विधानसभा मानसून सत्र को लेकर कहा, सत्ता पक्ष विपक्ष के सारे सवालों के जवाब देने की पूरी तरह से तैयार है। डीकेएस में और पूरे प्रदेश में जब कोरोना आए तो ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बढ़ गई और उस समय सभी स्थानों पर जहाँ जहाँ हो सकता था ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हुआ, परंतु समय के अनुसार हड़बड़ी में ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी में काम उतना गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाया। और उसको देखते हुए जैसे ही हम लोग हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने सभी ऑक्सीजन प्लांट के रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए निर्णय लिए, अनुबंध कर लिया है और जल्द ही उसमें मेंटेनेंस होकर हमारा डीकेएस का ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएगा।